ओडिशा में 28 नवंबर से परीक्षा के विश्व कप शुरू होने जा रहा है। भारत में ही विश्व कप होने के चलते टीम पर भी अच्छा प्रदर्शन करने को थोड़ा दबाव जरूर है। टीम का हौसला बढ़ाने के लिए इस हॉकी विश्व कप में 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप लेकर आने वाली टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। पंजाब के जवंदा से पूर्व हॉकी प्लेयर को सम्मानित किया जा रहा है। इसी को लेकर हमने वरिंदर सिंह से खास बातचीत की, देखते हैं एक रिपोर्ट में। जी, बहुत गर्व की बात है कि भारत अब तक एक ही वर्ल्ड कप जीत चुका है और उस टीम को उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम में जो हो रहा है वर्ल्ड कप, उसमें बुलाया जा रहा है और उनको वहां पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। वर्ल्ड कप है जो चल रहा है, उससे आपको क्या मिलेगा? टीम बहुत अच्छी है और डिपेंड करता है टीम के खेलने पर। और आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्लेयरों में जितने भी अपने करंट खेल रहे हैं, कंसिस्टेंसी बहुत कम है। जब प्लेयर मच्योर हो जाता है तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा आ जानी चाहिए। वो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि उसकी एवरेज प्ले शुड बी देयर, कम से कम इतना तो खेले जिस दिन बुरा भी खेले तो। ऐसी अभी कुछ प्लेयर जैसे नए लिए हैं उनमें कंसिस्टेंसी कम है, और वैसे टीम बहुत अच्छी है और एशिया कप अभी खेल के आई है और उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये टीम पुराने प्लेयर और नए प्लेयरों की मिक्स है और अच्छा, आशा करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो कोच हमने इधर हैं जो, उनसे आप कैसे कहते हैं जो इंडिया के कोच चाहिए था? हाँ, बहुत अच्छा है हरिंदर, अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है और उम्मीद है कि अभी जो प्लेयरों को फॉरेन कोच से प्रॉब्लम आती है उनकी बातें समझने में, उनका स्टाइल, उनकी जो भी प्रैक्टिस कराते हैं उनमें समझने में कुछ दिक्कतें आती हैं, वो सब दूर हो जाएंगी और दूर हो भी गई है। तो जो टीम में अभी सीनियर और जूनियर प्लेयर्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन आप कैसे देखते हैं, अच्छा है या? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उनका, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आशा करते हैं कि ये वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीम अच्छी खेलेगी। सर, जलंधर से एकेडमी से 10 प्लेयर जो है टीम में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो कई प्लेयर जो सीनियर प्लेयर थे उनको टीम में जगह नहीं मिली, उस पर क्या कहना है आपको? वो ऐसे ही होता है कि कुछ ये जो टर्फ की वजह से, इस टर्फ में जितने मिक्स होंगे ना जो सीनियर हैं, जैसे सरदारा है और है, इनको अभी टीम में नहीं लिया गया। नए प्ले तो सन्यास ले लिया ना? हाँ जी, उसको जब ये पता चला था कि मेरे को नहीं लेंगे तब उसने सन्यास लिया है। इसकी बात ये है कि ये टीम टर्फ पर ना मिक्स टीम, जैसे एक्सपीरियंस और यूथ दोनों मिक्स होंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या लगता है कि इस बार टीम जो वर्ल्ड कप जीत पाएगी, क्योंकि भारत में ही हो रहा है ना? हाँ जी, उम्मीद बहुत है कि इनको सपोर्ट भी, पब्लिक सपोर्ट, क्राउड सपोर्ट भी मिलेगी और ये अच्छा रिजल्ट देंगे। आप भारत के इस कौन सी टीम को स्ट्रांग मानते हैं? हाँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी है, हॉलैंड अच्छी है, जर्मन अच्छी है और 3-4 टीमें तो बहुत अच्छी है ना, इंग्लैंड है, ये 4-5 टीमें तो बराबर की टीमें हैं, इनमें से कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी हार सकती है। 75 की टीम, 2018 की टीम, क्या बदलाव देखते हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो 75वें वर्ल्ड कप हुआ था वो नेचुरल टर्फ पर हुआ था, ये एस्ट्रो टर्फ है। इसमें बदलाव ये है कि उस टीम में और इस टीम में बहुत बदलाव ये है कि उस टीम में प्लेयर मैच्योर्ड बहुत थे और बहुत अच्छे हड़े बढ़ते प्लेयर थे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, एवरेज प्ले उन सब प्लेयरों के पास था और इन प्लेयरों में कुछ जो नए हैं उनमें एवरेज प्ले इतना अच्छा नहीं है, तो उसकी भी वजह, और जितना जितना ये ज़्यादा खेलेंगे एवरेज अच्छी होती जाएगी और कंसिस्टेंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी। क्या लगता है आपको, जो भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, हाँ, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है और काफ़ी खेल चुका है, ओलंपिक खेल चुका है और वर्ल्ड कप, एशियन वो जीते हैं, उसका भी मेंबर था और अच्छा खेल रहा है। अभी उसने वो मिड लाइन में खेलता है तो वो बहुत अच्छा, उसने पाकिस्तान पर भी इस एशिया कप में गोल किया और ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल।